हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल लकास एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। उस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए। इसमें हम पढ़ने वाले रूल ऑफ जुडिशरी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का हम इस पर्टिकुलर लेक्चर इस चैप्टर का हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले रूल ऑफ जुडिशरी का टॉपिक। तो आइए बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ जुडिशरी। तो आइए शुरू करते हैं रूल ऑफ जुडिशरी क्या है। देखते हैं, द जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू मेक टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। व्हाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज ऑलवेज टेकन इनटू कंसीडरेशन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द इन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूटर ऑफ द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें बताया गया हुआ है कि हमारा जो इंडिया देश है कि डेमोक्रेसी देश नेशन है, इसके लिए डेमोक्रेसी नेशन में सोशल जस्टिस को बचाए रखना इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ऑफ राइट्स की चर्चा की गई हुई है कि मतलब लोगों का अधिकार किस तरीके से बचाया जाए, वो सब बारे में। अगर आप आगे चल के LLB की पढ़ाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वरना गूगल कर लेना फंडामेंटल ऑफ राइट्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर एक टॉपिक का वीडियो आप लोग के लिए बना के दूंगा। तो मतलब मेनली यही चर्चा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स। तो आइए कौन कौन से पॉइंट्स है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या बताया गया था, अगर कभी जरूरत पड़े कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखा लिखा है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग उसको रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें यही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब उसकी ज़रूरत ही है, मतलब ये चीज़ होना ही चाहिए लोगों के लिए कल्याण की चीज़, लोगों का भला होगा, ये होना ही चाहिए। अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट चाहती है इस लिविंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज हो तो चेंज कर सकती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को। अगर हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे तो वो बेशक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, लेकिन इसमें ये भी बोला गया हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हो। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं चेंज कर सकते, ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी नहीं चेंज कर सकता जब तक हमारा भारत देश है, जब तक हम आज़ाद हैं, और आज़ाद तो रहेंगे अब कौन हमारे ऊपर आने वाला है। तो द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी नहीं चेंज कर सकता, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि जो हमारा जो फंडामेंटल ऑफ राइट्स है, मूल अधिकार है, उसकी सुरक्षा ही करता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ही लोग बताओ, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर पार्लियामेंट चेंज कर दे तो हमारा फंडामेंटल ऑफ राइट्स ख़त्म हो जाएगा, हमारा मूल अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तब पार्लियामेंट जब चाहेगी हमारी नागरिकता हमसे छीन लेगी, हमारा आधार कार्ड छीन लेगी, वोटिंग कार्ड छीन लेगी, तो मतलब हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। तो इसके लिए द बेसिक स्ट्रक्चर से वो कभी चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस रखा गया हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज पार्लियामेंट पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को उसको नहीं चेंज करना है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, फंडामेंटल ऑफ राइट्स। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, इसके एक और पॉइंट है सिग्निफिकेंट जुडिशियली डिसीजन। सिर्फ इसका मतलब क्या होता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती। अब मान लो कि पार्लियामेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज की, तो चेंज करने के बाद पता है कहाँ पर जाएगा,
वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि आप अपना जजमेंट दीजिए। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यस में रहा तभी वो जाके हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा। तो इसमें यही सेकंड टॉपिक में पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से टॉपिक को देख के जजमेंट सुनाती है। तो यहाँ पे आप जो देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। देखिए राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को कुछ नहीं होना चाहिए मतलब आम लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द हॉनर एंड डिजिनाइट ऑफ ह्यूमन, महिलाओं की सुरक्षा, इंडिविजुअली फ्रीडम, उनको आज़ादी कहीं भी जा सकते हैं आ सकते हैं, बस आप बॉर्डरी क्षेत्र पे नहीं जा सकते मतलब जहाँ लड़ाई हो रही हो। फिर ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल मतलब समझते ही हो, जो मतलब पूरी तरीके से जंगल पे निर्भर होता है उनको हम ट्राइबल पीपल कहते हैं। इन सारे मुद्दों को देख के सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि मतलब जो आप चेंज करवाना चाहते हो पार्लियामेंट ये चेंज होगा कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा ही गया है सिग्निफिकेंट जुडिशियली डिसीजन, टॉपिक यही है कि अगर पार्लियामेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करती है तो वो पेपर रीचेक होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि आप चेक कीजिए कि जो पार्लियामेंट चेक मतलब जो चेंज की है वो सही कर रही है लोगों के साथ या गलत कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं सही कर रही है तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ चेंज होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं तो वो चीज़ नहीं चेंज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को रूल ऑफ जुडिशरी समझ में आया होगा और रूल ऑफ जुडिशरी रहना भी चाहिए क्योंकि हम लोग की सुरक्षा कौन करता है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार। अगर हमारे पास मूल अधिकार ही नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या है, हम कितना भी पैसा कमा ले कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मूल अधिकार भी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को रूल ऑफ जुडिशरी का टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रूल ऑफ जुडिशरी समझ में आया होगा कि वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो किसके अंडर के द्वारा किस मतलब किन किन राइट्स को मतलब ध्यान में रख के रूल ऑफ जुडिशरी के पार्लियामेंट एक्सेल लेती है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को रूल ऑफ जुडिशरी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ भी जाके आप हमसे पूछ सकते हो। हम रिप्लाई देने की 100% कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 द इलेक्ट्रल प्रोसेस का लेक्चर नंबर 1 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।